आज से शुरू हुई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, तो चलिए आपको बताते हैं वो मंदिर जहां आज भी भगवान कृष्ण का दिल धड़कता है। हिंदू धर्म में त्रिदेवों में से एक भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ही भगवान जगन्नाथ है। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के चार पवित्र धामों में से एक है। वर्तमान मंदिर 800 वर्ष से अधिक प्राचीन है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ रूप में विराजित है। साथ ही यहां उनके बड़े भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा की पूजा की जाती है। और पौराणिक मान्यता के अनुसार आज भी जगन्नाथ मंदिर की मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण का हृदय धड़कता है। पिछले 2 साल से उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ यात्रा निकाली तो जा रही थी, लेकिन कोरोना की वजह से उतने धूमधाम से रथ यात्रा का उत्साह नहीं मनाया जा रहा था। मगर इस साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम से शुरू हो गई है। 2 साल बाद भक्तों को भगवान के दर्शन का अवसर मिला है। कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 साल भक्तों को रथ यात्रा में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। इस बार लाखों की संख्या में लोग भगवान के दर्शन के लिए आए हैं। पुलिस ने भीड़ को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बता दें कि रथ यात्रा को भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र के रथ उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। यह उड़ीसा के पूरी शहर में सबसे प्रमुख हिंदू त्योहार है। यह त्योहार हर साल जून या जुलाई के महीने में शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन होता है। इस वर्ष यह पर्व 1 जुलाई को पड़ रहा है। 3 रथों को हर साल रथ यात्रा से पहले बनाया जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं क्यों निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ की यात्रा, क्या है इसकी पौराणिक मान्यता। सनातन परंपरा में भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, जिनके नाम का अर्थ पूरे जगत के नाथ या फिर कहें ब्रह्मांड का स्वामी होता है। देश दुनिया में प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जिस शहर में हर साल निकलती है उसे श्री जगन्नाथपुरी, पुरुषोत्तमपुरी, शंख क्षेत्र आदि नामों से जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार जब भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने उनसे नगर देखने की इच्छा जाहिर की तो वे उन्हें अपने भाई बलभद्र के साथ रथ पर बिठाकर इस प्राचीन नगरी को दिखाने निकल पड़े। इस यात्रा के दौरान वे अपने मौसी के घर गुंडीचा भी पहुँचे और वहाँ पर 7 दिन ठहरे थे। मान्यता है कि उस समय से रथ यात्रा को निकालने की परंपरा चली आ रही है। आपको बता दें कि हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर से आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकलती है। देश दुनिया से श्रद्धालु इस भव्य यात्रा में हिस्सा लेने के लिए उड़ीसा के पुरी आते हैं। 1 जुलाई से शुरू हुई रथ यात्रा 12 जुलाई तक चलेगी। जगन्नाथ रथ यात्रा हिंदू धर्म का विश्व प्रसिद्ध त्योहार है, जिसे काफी धूमधाम से मनाया जाता है। यह यात्रा भगवान जगन्नाथ को समर्पित मानी जाती है, जो भगवान विष्णु जी के अवतार है। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति इस रथ यात्रा में भाग लेता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनकी पूरी देह पंच तत्व में विलीन हो गई। मान्यता है कि भगवान कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह ही धड़कता रहा। कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जगन्नाथपुरी मंदिर की तीनों मूर्तियां हर 12 साल में बदली जाती हैं। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा एक रोचक किस्सा है। जिस वक्त मूर्तियां बदली जाती हैं तो पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर CRPF की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। मंदिर में किसी की भी एंट्री पर पाबंदी होती है। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत होती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती हैं। पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बांध दी जाती है। हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं। इसके बाद मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगा दी जाती हैं। लेकिन एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदली जाती, ये है ब्रह्म प्रदात। ब्रह्म प्रदात को पुरानी मूर्ति से निकाल कर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं आप क्या है ब्रह्म प्रदात। ये ब्रह्म प्रदात क्या है इसके बारे में आज तक कोई जानकारी किसी के पास नहीं है।
बस कुछ किस्से हैं जो मूर्ति बदलने वाले पुजारियों से सुनने को मिले हैं। ये ब्रह्म पदार्थ हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में बदल दिया जाता है, लेकिन मूर्ति बदलने वाले पुजारी को भी नहीं पता होता कि वो क्या है। मान्यता है कि इस ब्रह्म पदार्थ को अगर किसी ने देख लिया तो उसकी मौत हो जाएगी। तो ये थे कुछ पौराणिक मान्यताएं, जिसके बाद आप समझ ही चुके होंगे कौन है भगवान जगन्नाथ और कैसे आज भी भगवान कृष्ण का दिल भगवान जगन्नाथ मंदिर की मूर्ति में धड़कता है। देशहित न्यूज़ से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।